आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्ट टैग के बारे में, और फैक्ट टैग के बारे में आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, अगर आप फैक्ट टैग को नहीं जानते तो फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि फैक्ट टैग की स्टोरी को सुन के आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर और मोटिवेट हो जाओगे। आज मैं आपको फैक्ट टैग की ऐसी बातें भी बताने वाला हूं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगे, और काफ़ी मिस्टीरियस बातें भी होने वाली है जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। तो शुरुआत करते हैं राजेश कुमार के जन्म से। जी हाँ गाइस, उनका रियल नेम राजेश कुमार है, जो मैं अपने पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो क्या आपको पता है, राजेश कुमार का जन्म 1 अप्रैल 2000 को हुआ, और अभी उनके फैमिली में कुल 4 लोग हैं, उनके मॉम डैड, उनकी सिस्टर और वो। उनकी सिस्टर का नाम दीपिका कुमारी है, और उनका भी एक यूट्यूब चैनल है दीपिका फैक्ट गर्ल के नाम से, और उन्हें गिटार बजाना बहुत पसंद है। बचपन से ही राजेश कुमार का साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इससे भी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट इसमें था कि कोई उनसे कोई चीज़ पूछे और उन्हें उसका आंसर आता हो और वो बिल्कुल समझा के बताते थे। साइंस की दुनिया को रूबरू कराने के लिए राजेश ने 16 साल की एज में ही एक फेसबुक पेज क्रिएट किया, और उसके बाद एक यूट्यूब चैनल भी खोला, जिस यूट्यूब चैनल पर 2 महीने बाद 18 सितंबर 2016 को वीडियो अपलोड कर दी, जिसका टाइटल था 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट प्लेनेट अर्थ। उनके इस वीडियो पर उस टाइम तो उतने व्यूज़ नहीं आए थे, लेकिन कुछ व्यूज़ आने के बाद उनको लगा कि मुझे सेकंड वीडियो भी अपलोड करना चाहिए, और फिर उन्होंने इंटरनेट से रिलेटेड ट्रिक्स डालना स्टार्ट किया और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताने लगे। और जैसे ही राजेश के व्यूज़ और सब्सक्राइबर तेज़ी से आने लगे, तो उन्होंने अपने वीडियो का लेवल और ज़्यादा बढ़ा दिया। मतलब ब्लैक होल के बारे में, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, और जिन मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता, उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगे, और इन्हीं मिस्टीरियस चीज़ों की सीरीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई। यही अभी तक की उनके सबसे ज्यादा व्यूज गेन करने वाली वीडियोस है। और जैसी वीडियोस उस टाइम पर फैक्ट टैग बनाते थे, उस टाइम पर कोई भी यूट्यूबर वैसी वीडियोस नहीं बनाता था, और देखते ही देखते उन्होंने 27 जनवरी 2017 को 1,00,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया, और लोगों को उनको समझाने का स्टाइल इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने एक साल के अंदर 16 जून 2017 को 1,000,000 सब्सक्राइबर पार कर लिया। उसके बाद राजेश ने एक वेबसाइट बनाई थी, जिसमें कोई भी 199 रुपये का पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके राजेश की खुद की बनाई हुई बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते थे। पर मंथ 199 रुपये कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, कुछ या बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। तो राजेश ने उस वेबसाइट को बंद करके वो सारे वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए, और टाइम के साथ साथ लोगों की एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगी कि ऐसी वीडियोस बनाने के पीछे आखिरकार किसका चेहरा है। इवेंटली मैं भी सोचता था कि कौन है ये फैक्ट टैग, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी वीडियोस कैसे बना लेता है। और फिर 7 जुलाई 2019 को बिना किसी बिग अनाउंसमेंट के उन्होंने अपना फेस रिवील कर दिया, मतलब एकदम से फेस रिवील कर दिया। मैं भी चौंक गया था कि भाई ये क्या सच में है ये फैक्ट टैग। फेस रिवील के करीब 10 दिन बाद उन्होंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए, और प्रेजेंट में उनके यूट्यूब चैनल पर 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट राजेश कुमार, मतलब राजेश कुमार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसके लिए आप अभी तक यहाँ पर रुके हुए हैं। तो राजेश अपने चैनल का नाम पहले बॉडी माइंड लिंक रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बाद में फैक्ट टैग ही कर लिया, क्योंकि उन्हें फैक्ट टैग ही ज़्यादा बेटर लगा। राजेश अपनी उम्र के पहले इंडिया के ऐसे यूट्यूबर बने जिसने सबसे कम उम्र में 10 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा कर लिया। फैक्ट टैग 2017 में इंडिया में टॉप 5 यूट्यूबर चैनल में थे, ये सही है। राजेश की लाइफ में 7 नंबर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और कोइंसिडेंटिकल है, क्योंकि उन्होंने अपना चैनल 7वें महीने में 24 तारीख को क्रिएट किया था, और 3 साल होने के ठीक 7 दिन पहले 17 जुलाई को 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किया था, और 7 जुलाई को ही उन्होंने अपना फेस रिवील किया था, यानी कि 7वां महीना 7वां दिन, और उन्होंने एक वीडियो जिसका टाइटल था नंबर 7 क्यों है खास 27 जुलाई को अपलोड किया था, और उस वीडियो पर 7 महीने में 7 मिलियन व्यूज़ आए थे, मतलब 777 अमेजिंग isn't it। राजेश बिहार से ही बिलोंग करते हैं, पर वो अभी प्रेजेंट में महाराष्ट्र में रहते हैं। उनके पास अभी रॉयल इनफील्ड बाइक है। दोस्तों, हमें फैक्ट टैग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होना चाहिए। मैं टीनेजर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीनेजर्स इस टाइम में बैठकर फ्री फायर खेल रहे होंगे, लेकिन फैक्ट टैग उस टाइम पर 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना फेसबुक पेज क्रिएट किया, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद वीडियोज़ पर वीडियोज़ अपलोड करते गए। बहुत मेहनत के बाद उन्हें सक्सेस मिली और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। दोस्तों, हम लोग हमेशा फेलियर से डरते हैं, कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें सक्सेस भी आगे चलकर मिलेगी, लेकिन हम लोगों के लाइफ में एक फेलियर के बाद एक फेलियर आता जाता है, और हम डिमोटिवेट होते जाते हैं, और एक ना एक दिन हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन रियल बात तो ये है कि फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है,
मैं आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ज़िंदगी में, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको फेलियर लग रहा है, फिर आप एग्ज़ाम ही क्यों ना दे रहे हो, तो आप फेल हो गए तो आप डरो मत, फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगी। वो चीज़ आपके अच्छे के लिए हुई है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले पर विश्वास रखिए और पूरी लगन के साथ अपना काम करो और फेलियर से मत डरो, फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा और आगे जाकर आप सक्सेस जरूर पाओगे, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उन्हें सबसे पहले फेलियर ही आया है और लोग उन पर हंसे हैं, बाद में वही लोग उनके पास मदद मांगने आए हैं। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे अभी इस चैनल को क्रिएट किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मैं भी आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।